अन्नी मेरे मेरे पर्स से निकाल 500,000 रुपए। मैं दुनिया लाल हो गई पूरा। नहीं जब से निकलो ना जब से पारा। ऐसा पत्नी ले वो तो कर लो ना भी ऐसा उसको। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Anu ja rahe hain aap? Ye le. Aise ko? Haan. किसको पसंद नहीं है पैसे आते हैं सब मिल रहे सब्जी के सब्जी के देते हैं ऑलमोस्ट पैसे ज्यादा ज्यादा दूध के दे देंगे ले ये तेरे ये हन्ने के ये बनेगी बेकार सा लग रखा है क्या अन्य मेरे पर्स में निकाल 500,000 रुपए चीज चीज खा लेना ठीक तुमसे ज्यादा तुम आते तो 500,000 रुपए लेके जाओ मुझे नहीं चाहिए 3 रुपए चीज खा लेना गाइस गाइस 3 रुपए इसका कौन सा जमाना है प्लीज मुझे बताइए बेकार समझ रखा है कि मुझे 3 रुपए देकर तलते वाले चीज खा लेना आज के जमाने में बच्चा भी 10 रुपए का सिक्का है कम से कम 10 रुपए तो देते हैं मैं नहीं लेने वाली मैं लूंगी ही नहीं इसे अपने पैसों को लेके जाओ वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज निशा हेयर इंडियन व्लॉगर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी तरफ से आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो अन्नो जा रहे हैं घर कुछ ऐसा पड़ा है अन्नो उल्टा पड़ा है और पपाया हम लोगों ने खा लिया है और आज अन्नो मुझे दे के जा रहे थे 3 रुपये बेकार मैं चीज खाने के लिए पैसे देने चाहिए चीज मतलब चीज खाने के लिए 3 रुपए बेकारन हो मतलब ये बता दो यार आदमी अपनी औरत को बेकारन समझता है क्या सॉरी ये गलत बोलने का नतीजा जो दांस होती है हमने तो नेक नियत से दी थी मैंने कहा चीज खा लेना नेक नियत निकाल लो तुम्हारी नेक नियत चलो बाय मेरे व्यूअर्स ने तो बोर हो जाएंगे रोज रोज तुमको देख के बाय बाय और बताइए आप लोग के दिन की शुरुआत कैसे हो गई है हमारा तो शुरू हो गया है दिन और अन्ना चले गए हैं और बहुत मैच पड़ा है सब दिखाने वाली हूँ ऐसे कोई बात नहीं है कुछ छुपाने वाली सब दिखेगा टाइम हो रहा है 12:15 लेट गए हैं आजकल अन्नों की लेट काम लग रहा है तो लेट जा रहे हैं मतलब लेट आराम से जा रहे हैं और रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती है सच्ची बात है लेकिन मैंने फिर भी 10:30 बजे मैंने पानी से सर धो लिया था और बस मैंने बाय नहीं थे तो इसलिए ऐसे हो गए मैंने धो के हीटर के आगे सुखा के अच्छे सर को फिर मैं सो गई थी बस बाय नहीं थे कॉम नहीं करा था मतलब अब कॉम कर लूँगी तो ये थोड़े सीधे हो जाएंगे कुछ मेरे बाल हैं भी ऐसे ठीक है अभी हम लोगों ने पपाया खाया है वो आप लोगों को पता ही है और 3 रुपये दे के तो मैंने वापस कर दिए 3 रुपये लेके जाओ अपने 3 रुपये हमें नहीं चाहिए हनी तेरे को कितने रुपये चाहिए मेरे को 100 रुपीज़ देखो बच्चा भी आज के ज़माने में जब 100 रुपीज़ मांग रहा है तो मेरे पति मेरे को 100 रुपये देके जा रहा है गलत बात है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये बात ठीक है अब इतना जो खलारा पड़ा है इसको कर लेते हैं क्लीन आउट बन्नी कहाँ है बन्नी सो रहा है अपने कमरे में आज हन्ने थोड़ा जल्दी उठ गया मेरे पास आ गया और सो के उठ के सॉरी लेकिन बन्नी बड़ा प्यार सो रहा है दिखाती हूँ मैं आपको क्यूट लग रहा है ना अन्नू एरिया ना बहुत पसंद आता है पता नहीं क्यों है तो ये इतनी थोड़ी सी लेकिन मुझे बहुत पसंद आती है वहाँ पे आंटी के यहाँ पे आप देखोगे ना मनी प्लांट ख़राब हो गया लेकिन आंटी थी ना जब वहाँ देखो बहुत अच्छे से सजा के रखती थी तो अभी ठंड की वजह से कोई कुछ ज़्यादा काम वाम नहीं कर पा रहा है पानी सो रहा है तो इसे सोने देते हैं सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है
जो कि अभी करना बाकी है, तो चलिए कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नहा धो ली हूँ, घर का सारा काम कर लिया है, हेयर स्टाइल आज कुछ मैंने ऐसे बना दिया है। कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और वेलकम तो मेरा मॉर्निंग में ही हो चुका था लेकिन दोबारा से तैयार होके आज मैंने येलो वाला सूट डाला है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से तैयार होके भी दोबारा से वेलकम कर देती हूँ, जो कि बनता भी है। ठीक है, मैं तैयार हो गई हूँ। और बताइए आप लोग। अब मैं बैठूँ, आज मैं बैठने वाली हूँ थोड़ी देर कंबल के अंदर। आज मैंने हीटर को अवॉइड कर दिया क्योंकि हनी नहाया था, बनी नहाया था, तो थोड़ी देर ये ऑन रहा था। फिर मैंने कहा अभी नहीं ऑन करना, अभी थोड़ा इसको भी रेस्ट चाहिए जब तक मैं नहा कर आई। तो मैंने कहा इसको रेस्ट करने दो थोड़े। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ही नहीं थक जाते, ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी थक जाती हैं, भले ही चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, भले ही चाहे कोई भी चीज़ हो। और आज मैंने मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी ना मुझे पता नहीं क्यों खिंचा खिंचा सी फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ से फेस खिंचा खिंचा, जबकि अच्छा मॉइस्चराइजर लगाया डेली की तरह, फिर भी पता नहीं क्यों, शायद स्किन को पसंद नहीं आया आज का मॉइस्चराइजर। सही बताऊँ तो मुझे तो यही लग रहा है, बाकी मुझे पता नहीं है। तो चलो, दिनचर्या हो गया था शुरू सुबह से ही, और ये टाइम हो गया। और लेडीज़ों का काम का कोई टाइम नहीं होता, कब सुबह से दोपहर, दोपहर से फिर शाम, और वैसे ही दिन छोटे हैं तो फिर तो वैसे ही समझ लो जीरो दिन हो जाता है, फिर कुछ नहीं पता चलता। जो मेरी फ्रेंड है जिनकी मैरिज हुई थी, तो आज शायद से वो आए और हम लोग दोनों मिल के जाने वाले हैं मार्केट। मुझे कुछ नहीं लेना और उनको लेना है। जब क्या होता है ना कि अपना मन ना करें तो कभी कभी सामने वाले के लिए भी वो काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि जब मेरे को कहीं जाना होता है मैं उसको पूछती हूँ चल यार आज उस मार्केट घूम कर आते हैं, चल यार आज वहाँ चल कर आते हैं, तो वो भी तो कभी मना नहीं करते, वो भी तो एवर रेडी मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो जब आज उन्होंने पूछा तो मुझसे मना नहीं हुई, मैंने बोला कोई बात नहीं आ जा, हम चल पड़ते हैं। चलो कर लेती हूँ उसको एक बारी से कॉल, वो कहेगी नहीं तो कि एक बारी खुद ने कॉल करके भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं एक बारी भी बोलने का किसी को मौका नहीं देना चाहती, तो मैं उसको कर लेती हूँ कॉल। बता रहा चुपचाप मास्क लगा ले, पता लगे पुलिस वाले आ गए। मेरे पता पता ही जहर लग रहा है, पूरी दुनिया लाल हो गई। नहीं दस नहीं करो, दस बारह। शॉपिंग करके और शॉपिंग के साथ एक बंदी को, मतलब भारी भरकम बंदी को उठा के लाई हूँ, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा मिलिए। पूनम तेरे को भी उठा लाए मैंने ना। और कैसा लगता है पूनम मेरी अच्छा फैमिली से मिलके? अच्छा लगता है ना। और कैसा लग रहा है पूनम शादी के बाद? इतना अच्छा लग रहा है, मैं सोच नहीं जा रहा कि कितना अच्छा लग रहा है, सोच नहीं सकते। कुछ अलग हो जाता है। लगा रखा मैंने आज, मैंने भी कल लगा रखा था, मैंने भी मॉर्निंग कल, हाँ कल लगा रखा था, फिर आज वीरवार था, मैंने कल ही शाम को धो दिया था। कल इसलिए तो मैंने तेल लगाया, कल वीरवार है तो फिर धुल जाएगा, आज वीरवार है तो आज भी, तो आज नहीं धोती ना तो भी कल धोएगी अपना। तो चलिए हम क्या लाए हैं दोनों दिखाते हैं, पहले आप लोगों को अच्छी जगह पे बिठा दूं। तो मैं लाई हूँ ये वाला सूट, ये इसका दुपट्टा है जिसके चारों तरफ ये लेसिस है, गोटा गोटा गोटा। और ये सूट है और नीचे ये है लास्ट पे, है ना। तो मैंने पूनम को पूछा पूनम कैसा लग रहा है, पूनम ने बोला अच्छा लग रहा है। निशा ले ले इसको, छोड़ मत, पहले बनवा के देखते हैं इसको कैसा बन के लगता है। सेम एक कुर्ता वैसे, हाँ। और हम दोनों एक जैसी चीज लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए सेम टू सेम लाया है, बस हमारी साइज का ही वो है पंगा, मतलब साइज में इसकी कितना है तेरा 41 41 है और मेरा 40 है।
तो मैं इस सूट के साथ पहनूंगी। तो पूनम ने कहा बहुत अच्छा लगेगा निशा, जब तू इसको पैरों में पहनेगी ना तो बहुत प्यारी लगेगी। तो हमने ले लिया फिर। और पूनम को एक सूट पसंद आया था लेकिन इसने अभी नहीं लिया क्योंकि इसकी मैरिज हुई है, तो इसको काफ़ी सारे जो हैं सूट हैं इसलिए इसने नहीं लिए। इसने कहा कि अभी जो पहले उनको पहन पहन के मैं ख़त्म कर दूंगी फिर लूंगी मैं दूसरे सूट, क्योंकि नवी शादी हुई है तो फिर काफ़ी सारे कपड़े तो होते ही है ना, इसलिए इसने अभी नहीं लिया है ना। और हाँ मैं एयरिंग भी लाई हूँ पूनम, किस्मत के दे ये रिंग, ये भी लाई पूनम दिखा, मैं पहन के दिखाती हूँ, ये पहन के दिखाएगी। मैं भी पहन रही हूँ और मैंने सोचा है कि कानों में कुछ ना कुछ डाल के रख लूंगी मैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कान सोने रहते हैं। तो मेरे हैं ये वाले एयरिंग छोटे छोटे से, मेरे से गोल्ड के पहने नहीं जा रहे, बहुत सा भारी है वो। हाँ इसके गोल्ड के पहने नहीं जा रहे, गिफ्ट मिला मुझे शादी में तीन गोल्ड ही नहीं है, आ जाएगा गोल्डी, मेरे मामा का लड़का है तेरे वो भी तो तूने वो भी करवाया था ना फिर, पहन ना, नहीं पहने जा रहे मेरे से, ये इससे तेरे दुख गए गोल्ड के पहन पहन के ना। हाँ गोल्ड के ना बहुत भारी से थे ना तो दर्द हो रहा है मेरे से, पहने नहीं जा रहे। हाँ तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे से पहन लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। और पूनम कैसे हैं, अच्छे लग रहे हैं पूनम के भी काफ़ी। तो मैंने सोचा मैं ऐसे पहन के रख लूँगी, गोल्ड नहीं है तो क्या हो गया, गोल्ड से कम भी नहीं है और खो जाए तो गम भी नहीं है, है ना पूनम। हम ना यही कहते थे हम दोनों, जब भी हम कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ खरीदते थे ना तो पूनम ने मेरे को बोलना सिखाया था ये वाली बात। पूनम कैसे, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। हाँ हम लोग बहुत मस्ती मारते थे। अब इसकी शादी हो गई शादी भी हो गई है और चलो मैं इसके लिए बना के लाती हूँ चाय जल्दी से, फिर मिलती हूँ मैं आपको। चली गई है मेरी फ्रेंड और अन्नु आ रहे थे ऑफिस से, तो मैंने उनसे बोला कि कुछ सामान मुझको ला के दे दो, दाल और दाल चावल खाने का मन कर रहा है, बड़े दिनों से दाल चावल नहीं खाया ना। तो ये मैंने लाल मिर्च पाउडर मंगवाई है, खोल के नहीं देखिए पर कम ज़्यादा से पता लग रहा है, गर्म मसाला मंगवाया है और ज़ीरा मंगवाया है, तो मैंने कहा मुझको ला के दे दो। और मेरी फ्रेंड अभी गई है, अभी हो रहे हैं आपको दिखाती हूँ मैं 8:30 और वो जस्ट गई होगी, जस्ट नहीं आधा घंटा पहले 8 बजे करीब से ऐसे कुछ गई है, मतलब 7:45 या 8 कुछ ऐसे गई है। और क्लीन है मेरी, मतलब किचन मेरी पूरी क्लीन है। फटाफट से चढ़ा देती हूँ मैं दाल, इसमें डाल दी है प्याज जीरा, ये इसमें भून रहा है। यहाँ पे मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं छोटे, और इसी में ही लिए मैंने जिंजर गार्लिक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और हल्दी धनिया पाउडर गर्म मसाला लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट इनको मैं डाल दूँगी, और चने की दाल ठीक है। इन सबको भूनने के बाद में आप पानी डाल के शाम से 5 पीसा लगा लें, क्योंकि चने की दाल थोड़ी लेट ही गलती है ठीक है। कहना कि मैंने बताया नहीं था चने की दाल की रेसिपी, ये मेरा अपना तरीका है ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, मेरे जो उस दिन रिश्तेदार आए थे मासी वगैरह, तो वो लाए थे भाभी वगैरह बहुत सारे केले, मतलब ये तो है ही लेकिन इसके अलावा और भी थे 2 दर्जन केले और ये क्या कहते हैं इसको ऑरेंज। तो बन्नी ने 1 दर्जन केले निपटा दिए थे, इसके पापा बोल रहे हैं ये तो बड़ी फास्ट निपटा रहा है सारे के सारे केले, क्यों भाई देखो नवाबों की तरह बैठा है। हाँ भाई नवाब जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे मेरी माँ इतना सारा बोल दी, पूरी की पूरी लाइन किन्ने सिखाई है देखो। गेम पबजी ऑब्वियसली, तो फ्री फायर जो भी कुछ है। तो बस बच्चे चॉकलेट वॉकलेट खा के इधर उधर फेंक देते हैं, फिर उसे हमें रखना पड़ता है ठीक से। और तो और इन्होंने मेरा मार्क्स भी खो दिया था। और मेरे कैसे लग रहे हैं कान के एयरिंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, देखो मैं पहनती रही तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि है या नहीं है, बट उसने लिए तो मुझे बहुत प्यारा ये वाला डिज़ाइन लगा, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ मुझे अच्छे लगे है ना। तो जो भी सामान लाई कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, सूट कैसा लगा और मेरी जूतियाँ कैसे लगी, मेरे बहुत अच्छे एयरिंग कैसे लगे, 10 रुपये गई हैं, बहुत प्यारे लगे। पर मुझे कभी कभी सस्ती चीज़ भी ना बहुत बहुत प्यारी लगती है, तो मुझे बहुत प्यारे लगे। अनु आज तुमने मेरे कानों में एयरिंग देखे बेटा,
कैसे लगे? कहाँ हूँ, किचन में, ये किचन में रहते हैं। हाँ तो तुमने बोला क्यों नहीं? क्या देखो, बोला था अच्छे लगे। ये क्या हो रहा है, गैस की बर्बादी कैसे हो रही है? तो ये कौन सी बदतमीजी है, इधर देख के बात करो। हेलो, गैस बंद करो, बर्बादी कर रहे हो। क्या बर्बादी का है? हीटर, हाँ हमारा हीटर खराब हो गया। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हमारा हीटर खराब हो गया तो विसल लगने वाली है पहली। और मेरी जो फ्रेंड है, बने हने नलका बंद करो बेटा। जो मेरी फ्रेंड आई थी वो अपने मायके आई हुई है, इसलिए यहाँ पे आराम से रह के गई। खूब सारे गप्पे लड़ाए हमने, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक मेरे पास रह के गई। और बहुत मज़ा किया हमने आज, बाजार में भी काफ़ी मज़ा किया, घर पे भी काफ़ी मज़ा किया, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आई थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी मम्मी के घर पर आई, मतलब पीहर गई है वो अपने। तो जब लड़की नई नई शादी के बाद अपनी पीहर जाती है ना, तो उसको इतना अच्छा लगता है, वो सोचती है मैं इस वाली फ्रेंड के भी जाऊँ, मैं उस वाली फ्रेंड के भी जाऊँ, मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ। तो मतलब उसने जी भर के मेरे से बातें करी और मैंने भी उससे बहुत सारी बात करी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आपकी फ्रेंड वगैरह आती है, या आप मैरिज, आपकी मैरिज हुई है और आप गए हो, तो आपने भी अपनी फ्रेंडों को देखा होगा, हाँ भाई आज उसके पास चलते हैं, आज उसके पास बैठ के बहुत सारे गप्पे लड़ाएंगे, है ना। तो चलिए, बहुत मैंने बक 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 कर ली। अब जैसे ही विसल कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं चली जाऊंगी अपनी मम्मी की, ठीक है। तो मैं लेती हूँ यहीं पे ही अलविदा आप लोगों से। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे फटाफट से, और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या चीज़ आज आपको अच्छी लगी मेरी फ्रेंड से मिलकर, आपको कैसा लगा। नहीं, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं और देख रहे हैं मेरे व्लॉग और आपको पसंद आ रहा है, तो ऐसे ना जाएं, सब्सक्राइब करके ही जाएं, उसके साथ में बेल आइकन को दबा के जाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए बाय। ये लोग पीछे से बहुत बातें कर रहे हैं। बाय, लव यू, गुड नाइट।